हमारे मुमरा शहर में पहली बार क्रिकेट कोचिंग स्टार्ट हुई है, जिसके कोच खुद जावेद जैस खान है, जो कि मुंबई रणजी ट्रॉफी के बड़े खिलाड़ी है। जावेद ने रणजी द गॉड ऑफ क्रिकेट यानी सचिन तेंदुलकर के साथ खेली है। जिस वक्त और भी बड़े खिलाड़ी पिच पर उतरे हुए थे, जावेद जैस ने बीड़ा उठाया है कि यूथ को क्रिकेट से जोड़ा जाए। कोचिंग मुमरा के जेके टर्फ में ही की जाएगी। ये टर्फ ऑल सीजन टर्फ है। स्कूल और ग्रुप कोचिंग भी की जाती है। भाई सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के अमृत नगर गेट का कल ही उद्घाटन हुआ है और साथ ही गेट से लगकर एक ऑटो रिक्शा स्टैंड भी बनाया गया है, ताकि यहां पर ऑटो रिक्शा स्टैंड पर जो ऑटो रिक्शा खड़े रहे उस पर लोग आकर बैठ सकें। मगर ऑटो रिक्शा स्टैंड होने के बावजूद भी ऑटो रिक्शा ड्राइवर गेट के पास ही पैसेंजर को बिठा रहे हैं। ऐसे में ऑटो रिक्शा यूनियन से भी ट्रैफिक विभाग के सीनियर इंस्पेक्टर दिलीप पाटिल ने नियम अनुसार स्टैंड से ही पैसेंजर बिठाने की आग्रह की है। यह एक बात और बताना ज़रूरी है कि अगर इस ऑटो रिक्शा स्टैंड का सही इस्तेमाल नहीं किया गया, सभी ऑटो रिक्शा ड्राइवर गेट के सामने से ही पैसेंजर बिठाएंगे तो इस ऑटो रिक्शा स्टैंड का फिर बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। पैसेंजर जो है उनको भी चाहिए कि इस ऑटो रिक्शा स्टैंड में जो भी ऑटो रिक्शा खड़ी हैं उन्हीं में जाकर बैठें। ऐसे में ट्रैफिक विभाग के सीनियर इंस्पेक्टर दिलीप पाटिल ने इस पर क्या जानकारी दी है। मुमरा शहर में अभी ये रिक्शा स्टैंड बनाया हुआ है। मैं सब रिक्शा वाले यूनियन को अपील करता हूँ कि कोई भी बीच में कोई रेंट नहीं करेगा, भाड़ा नहीं भरेगा। जो भी भाड़ा भरेगा वो सब अंदर से लेगा। और मैं जो मुमरा के लोग अपने वासी है भाई बहन से सबको अपील करूंगा कि उन्होंने बीच में से मत बैठो, इस स्टैंड के ऊपर खड़े देखे उन्होंने रिक्शा का ये करो। सर, अमृत नगर के जो नाके पे स्टैंड बनाया गया है जो दो वे का, आप उधर के लिए अपील कर रहे हैं। बरोबर है, जो भी पैसेंजर आएगा वो स्टैंड से बैठेगा। स्टैंड के अलावा जो कभी पैसेंजर बैठे उन्होंने तो हम लोग उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगे, जो भी लीगली कार्रवाई है वो। तो सर, अभी भी देखा जा रहा है कि स्टैंड बनने के बावजूद भी कुछ रिक्शे वाले बाहर ही खड़े हो रहे हैं, अंदर नहीं आने को राजी कि हम इसमें नहीं लाएंगे, वो बाहर ही पैसेंजर बिठा रहे उतार रहे हैं। नहीं, इसके लिए मैं अभी यूनियन वाले से अपील कर रहा हूँ कि बाहर भी कोई भी मत बैठाओ पैसेंजर, अंदर से ये करने का। तो हम लोग अभी इधर बंदोबस्त लगा के कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। सर, और भी नाके ऐसे हैं जहाँ पर काफ़ी तकलीफ हो रही थे, इस तरह का बंदोबस्त वहाँ भी ट्रैफिक विभाग की तरफ से या स्थानीय नगर सेवकों की तरफ से करवाने की कोशिश हो रही है क्या? हम लोग तो हमेशा कोशिश कर रहे हैं ना कि ऐसा ट्रैफिक जाम न हो। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए पहले शुरुआत किया है। अच्छा, यहाँ से शुरुआत किया है और आगे भी सब जगह नाके पे आप लोग सर बंदोबस्त लगा कर कार्रवाई करेंगे? जैसे लोग बीच में रिक्शा लेके खड़े हो जाते हैं, डिवाइडर बंद है तो भी वहाँ से खड़े हो जाते हैं, रिक्शा लेके बीच रोड पे खड़े होते हैं पैसेंजर बनने के लिए। हम लोग पहले से वैसा कार्रवाई करते आ रहे, जितना पॉसिबल है हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करते हैं। हर रोज जो बीच में से पैसेंजर लेगा हम लोग कार्रवाई करते रहे।